अच्छे दिन वाह। 7 साल पहले अच्छे दिनों के वादे के साथ मोदी सरकार इस देश में पूर्ण बहुमत के साथ आई। अच्छे दिनों का मतलब था देश में महंगाई कम होना, रोजगार के अवसर बढ़ना, जिन लोगों के पास जॉब्स हैं उनमें ग्रोथ होना, आम आदमी की आमदनी में बढ़ोतरी होना। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? नहीं, इसके उलट ज़रूर हुआ है, और उलट इतना ज़्यादा हुआ है कि वर्तमान में जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बीते 40 सालों में इतनी ख़राब नहीं रही जो अब हो चली है। दरअसल हाल ही में 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर की GDP के आंकड़े सामने आए हैं जो बताते हैं कि देश की GDP -7.3% आ चुकी है। ये वाकई इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जिसका जिक्र अगर हम करें तो ये पता चलता है कि ये लगातार गिर रही है। 2014 के बाद से देश की जो GDP है वो अपने रसातल में पहुंचती जा रही है। अब ज़रा इजीली समझते हैं कि आखिर जो GDP के आंकड़े आए हैं जो बीते 40 वर्षों में नहीं आए, इसके मायने क्या हैं, GDP क्या होती है और इसका हम पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि GDP का फ़र्क आप पर उतना नहीं पड़ेगा तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले समझते हैं GDP क्या है। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। साल भर में पूरे देश में प्रोड्यूस करने वाले सभी सामान और सेवाओं की कुल जो वैल्यू है उसको GDP समझ लीजिए। एक तरह से समझें तो पूरे साल का जो देश का टर्नओवर है वो GDP है। किसी भी देश की GDP से ही उस देश की इकोनॉमी का पता चलता है, वही उसका पैमाना है। अगर किसी देश की GDP में बढ़ोतरी हो रही है तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था बेहतर है, रोज़गार ज़्यादा मिल रहे हैं, महंगाई कम है, आमदनी बेहतर है, बचत हो रही है। ये GDP बताती है अगर उस देश की GDP बढ़ रही है। और अगर GDP कम हो रही है तो मतलब समझ लीजिए कि सारी चीज़ें उलट चल रही हैं। ऐसा ही इस वक्त देश में हो रहा है। अगर GDP में अलग अलग हिस्सेदारी की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है आपके और हमारे खर्च जो इकोनॉमी में सपोर्ट करते हैं। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का करीब 32% देश की GDP में हिस्सेदारी रखता है। सरकारी खर्च जो है वो 11% GDP में हिस्सेदारी रखता है। इसके अलावा जो बचता है वो है करेंसी डिमांड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आधार पर ये तय होता है। अगर मोटा माटी एक लाइन में समझाएं तो देश में इस साल करीब 10 लाख करोड़ रुपये का GDP लॉस हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख करोड़ का सामान या सर्विसेज कम हुई हैं। अब 10 लाख करोड़ की सामान सर्विसेज कम हुई होंगी तो उसमें मिलने वाली हिस्सेदारी भी कम हुई होगी, यानी कि आपको और हमको उससे जो फ़ायदा होता वो भी कम हुआ होगा। उसके अलावा अगर कोई नौकरी होगी उस 10 लाख करोड़ में वो भी गई होगी। इसके अलावा ग्रोथ जो है वो भी कम हुई होगी। अब GDP गिरने की अगर बड़ी वजहों की बात करें तो सरकार की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से GDP कम हुई है। और ऐसा देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से देश नहीं दुनिया में भी GDP लॉस हुआ है। लेकिन केवल एक ही वजह ये नहीं है। देश में GDP गिरना काफ़ी पहले से चालू हो गया था। अगर इसको सीधे तौर पर देखें तो लगातार बीते 4-5 सालों से GDP लॉस हमारे देश में हो रहा है। 4-5 साल से तो कोरोना नहीं चल रहा है, 4-5 साल से लॉकडाउन नहीं है। और इसको अगर आंकड़ों की तरफ से अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि 2014 में जो GDP 7.4% थी वो 2021 में आकर -7.3% हो गई है। 2016 में जहां देश की GDP 8.2% थी, 2017 में 7%, 2018 में करीब 6% और 2019 में करीब 4% रह गई। अब अगर GDP लॉस के बड़े कारणों पर ध्यान दें तो ध्यान में आता है कि मोदी सरकार ने आर्थिक सुधार के नाम पर जो कुछ कदम उठाए थे वो उल्टे पड़े हैं। उसमें सबसे पहले आता है नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को इस देश में नोटबंदी का ऐलान किया गया और उसके बाद चीज़ें खराब होना शुरू होती चली गईं। दरअसल नोटबंदी का पूरा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ था। पहले इसे काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म करने का एक टूल बताया गया। कहा गया कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा तो नोटबंदी में कई सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। डिजिटल पेमेंट तो बढ़ा लेकिन जो छोटे व्यापारी थे वो भी खत्म हो गए और इस चक्कर में पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गई। साल 2017 में देश में GST आया। 1 जुलाई 2017 से GST कानून देश में लागू कर दिया गया। एक देश एक टैक्स नाम से जो व्यवस्था देश में चलाई गई उसमें सबसे बड़ा जो लॉस है वो व्यापारी को ही हुआ। व्यापारी बताते हैं कि इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो एंगेज GST में ज़्यादा हो गए, अपने व्यापार में कम रह गए। बाकी जो बची कुची अर्थव्यवस्था थी उसे लॉकडाउन ने ख़राब कर दिया।
मतलब बात ये हुई कि कंगाली में आटा गीला। अगर लॉकडाउन को छोड़ने और 2016 से ही कंपेयर करना शुरू करें कि 2016 में जब नोटबंदी लागू करी गई आर्थिक सुधार के नाम पर और अब उससे कंपेयर करें देश की स्थिति को, तो क्या मिला हमें। साल 2016 में भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में जो 125वें नंबर पर थी, आज वो 147वें नंबर पर आ गई है। इसके मायने अगर समझेंगे तो पता चलता है कि देश में जो आदमी है वो पहले से ज़्यादा गरीब हुआ है। इसके साथ ही जहां 2014 में सैलरी में 10% की बढ़ोतरी हुई, वो अब गिरकर 6.1 पर आ गई है। कोरोना की दूसरी लहर में करीब 1 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। 95% परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम घटी है। ये जीडीपी के कम होने की वजह से लगातार हो रहा है। यानी कि घुमा फिराकर बात वही आ रही है कि महंगाई बढ़ रही है और आमदनी सैचुरेटेड हो गई है या फिर कम हो रही है। कम कैसे हो रही है? नए लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, या फिर जिनकी नौकरियां हैं वो चली जा रही हैं और जिनके पास बची हैं वो उसी पर स्टेबल हो चुके हैं, वहां से इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो रही है तो कंपनियों को भी लॉस हो रहा है, कंपनियों को लॉस हो रहा है तो एम्प्लॉय पर सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये स्थिति जो है, खराब जीडीपी की स्थिति है, वो कब तक रहने वाली है? तो एसबीआई का कहना है कि 2021-22 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.9% हो सकता है, ये उम्मीद है। इसके अलावा मूडीज का मानना है कि 2020-21 में जो देश की जीडीपी है वो 9.3% हो सकती है। अब चाहे एसबीआई की बात करें या मूडीज की, दोनों ने ग्रोथ दिखाई है अगले 1-2 साल में देश की जीडीपी में, लेकिन उनका साथ में ये कहना है ये तभी संभव हो सकता है जब देश में इकोनॉमिकली सुधार के लिए वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। जब वैक्सीनेशन में तेजी होगी, कोरोना खत्म होगा, अनलॉक की प्रक्रियाएं शुरू होंगी, तब ही सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके बाद भी उनका साफ कहना है कि अगले 1-2 साल में जो देश की जीडीपी है उसका डबल डिजिट में पहुंचना बहुत मुश्किल है। कुल जमा बात ये हुई कि 2022 तक आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं आर्थिक मोर्चे पर, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, वो ख़त्म होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि लगातार जब जीडीपी लॉस होगा, जीडीपी में ग्रोथ कम होगी, तो उसका सीधा इम्पैक्ट आप पर पड़ने वाला है, आपकी जेब पर पड़ने वाला है।